ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव जारी है। अब भारत ने ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है, और ये भी कि अगर 10 अक्टूबर के बाद ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी। अब ये राजनयिक छूट या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है, इसको विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन पहले इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको बता देते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं, जिसे घटाकर मोदी सरकार ने 21 करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट को लेकर ना तो कनाडा और ना ही भारत ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है। हालांकि 3 अक्टूबर को कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जोली का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ बातचीत बढ़ाना चाहती है। वो बोली, हम कनाडा के डिप्लोमैट्स की सेफ्टी को लेकर गंभीर हैं, हम प्राइवेट मीटिंग्स को बढ़ावा देते हैं। वहीं आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 21 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, भारत में कैनेडियन राजनयिकों की संख्या भारत के कनाडा में राजनयिकों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए इसे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देश में तैनात राजनयिकों की संख्या और ग्रेड में समानता चाहता है। भारत की सख्ती के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की मंशा भारत के साथ तनाव को और बढ़ाने की नहीं है। भारत और कनाडा के संबंधों के लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग समय है। कनाडा की सीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा सरकार भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने का प्रयास करती रहेगी। ये तो हमने आपको मामले से जुड़ी सारी अपडेट्स बता दी। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की। किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए नियम और कानून बराबर होते हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नियम और कानून आम आदमी से अलग लागू होते हैं, फिर चाहे वो अपने देश में हो या किसी और देश में। इसे ही उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। और कौन होते हैं लोग जिन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है? इनके लिए देशों के नियम और कानून अलग क्यों हैं? कानून की तराजू वाली देवी ने विशेष छूट यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्यों देती है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी समझने के लिए साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर के लंदन दूतावास का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। जूलियन पॉल असांज, आपने नाम जरूर सुना होगा। असांज एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर हैं। उन्होंने विकीलीक्स नाम की वेबसाइट की शुरुआत की थी, एक ऐसी साइट जिस पर कुछ देशों, खासतौर पर ब्रिटेन और उसकी एजेंसीज के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। कुछ लोगों ने इस तरह संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने को गैर कानूनी माना, वहीं कुछ का कहना था कि सरकार के दस्तावेजों को आम जनता के सामने ले आना कोई अपराध नहीं है। कई चेतावनियां मिलने के बाद भी असांज नहीं रुके, फिर उन्हें पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई। यूके की सरकार से बचने के लिए वे कभी बालों को रंगते, कभी नकली नाम से होटलों में छिपते। इस दौरान उन्होंने सिर्फ कैश का इस्तेमाल किया ताकि उनकी लोकेशन के बारे में पता ना चल पाए। छिपने बचने के सिलसिले में उनकी मदद की इक्वाडोर ने। लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में असांज रहने लगे साल 2012 में। उनके लिए यहाँ रहना गायब होने जैसा ही था। क्यों? क्योंकि दूतावास में किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, यानी बिना परमिशन होस्ट देश का कोई भी व्यक्ति दूतावास में कदम नहीं रख सकता। ब्रिटेन भी दूतावास में नहीं घुस पाया। अपने ही देश में ब्रिटेन की पुलिस इक्वाडोर के दूतावास के बाहर निगरानी करती रही और असांज दूतावास में सुरक्षित बने रहे। ब्रिटेन ने इक्वाडोर पर दबाव भी बनाया, कहा कि दूतावास में घुसकर असांज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर इक्वाडोर ने दो टूक जवाब दिया, हम ना तुम्हारे गुलाम हैं और ना तुम्हारी कॉलोनी, हम संप्रभु हैं और आप हमारे दूतावास की इम्यूनिटी भंग नहीं कर सकते। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी माने किसी देश में स्थित दूसरे देश के दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली एक खास तरह की छूट, जिसके चलते असांज बच सके थे। इसे कुछ यूं समझिए कि पुराने वक्त में दो राजाओं के बीच भले युद्ध चल रहा हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के भेजे दूतों को पूरा सम्मान देते थे। अब एक घरेलू मिसाल भी दे देते हैं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो खातिरदारी के अलावा उसे कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं। जैसे आपकी किसी छोटी मोटी गलती पर आपको अपने पेरेंट्स से डांट मिल सकती है, लेकिन मेहमान को सजा से छूट दे दी जाएगी। पर दो देशों के बीच ये छूट क्यों? असल में ये दो तरफा रियायत है। एक देश दूसरे देश के दूतावास के लोगों को अपने यहाँ रियायत देगा, तभी उसके भेजे दूतों को भी उस देश में वही रियायत और सुविधाएं मिलेंगी।
डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात सबसे पहले साल 1815 में हुई। जगह थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना में दूतों और डिप्लोमेटिक एजेंट्स के मिलने की एक मुख्य जगह हुआ करती थी। कारण यहाँ 6000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज थी। इसे बनाने का पहला प्रयास 1895 में हुआ। इसके लागू ना हो पाने का एक मुख्य कारण था एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। इसका मतलब है कुछ अलायंस और विशेष रूप से डिप्लोमैट्स को उस राज्य के अधिकार क्षेत्र से छूट का विशेष अधिकार दिया गया जिसमें वे रहते हैं। साल 1961 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ के रूप में दुनिया भर ने अपनाया। इस कन्वेंशन में और भी कई अहम मुद्दे शामिल हैं, जैसे दूत केवल एक संदेश वाहक ही नहीं बल्कि वो अन्य देश का प्रतिनिधि भी है। यूं कह लें कि यदि उसका अपमान हुआ तो वो पूरे देश का अपमान होगा, जिसके कारण दो देशों के बीच सुगम रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। दूतों के विशेष अधिकारों का पालन और सम्मान होस्ट देश को करना होता है। ये एक दो तरफा समझौता है, यानी यदि होस्ट देश डिप्लोमैट्स को कुछ खास छूट देगा तो बदले में गेस्ट देश को उनके लिए कुछ टैक्स कम करने होंगे। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 कहता है कि दूतों को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, उन पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट देश पर है। ये दूत जिस भी देश में पोस्टेड होते हैं उस देश के क्रिमिनल, सिविल और प्रशासनिक कानूनों से भी इन्हें छूट मिलती है। इन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ता, इनका पर्सनल बैग भी चेक नहीं किया जाता। संदिग्ध सामान का शक होने पर दूतों की इजाजत से चेक किया जा सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों G20 समिट में आए चाइना के डिप्लोमैट के बैग पर ये बवाल सुर्खियों में था कि आखिर इसके अंदर है क्या। बैग का आकार हथियार होने के शक को बढ़ा रहा था, उस पर डिप्लोमैट ने बैग को चेक कराने से भी इनकार कर दिया। ये मामला तब संभला जब इन डिप्लोमैट्स ने बैग को वापस एम्बेसी भेज दिया। इसके अलावा दूतों को देश में कहीं भी घूमने की छूट मिलती है सिवाय कुछ आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर। इन्हें किसी भी धर्म को पूजने का अधिकार है पर अपने धर्म का प्रचार भी नहीं कर सकते। खैर, भारत कनाडा मामले में आगे जो भी होगा उसकी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी इकट्ठा करने में मेरी मदद की है मेरे साथी प्रज्ञा दुबे ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।